तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का। टारगेट वाला जो है वो चलता रहेगा, आपका वीकली आएगा, ठीक है, वन डे, ठीक है, काफी है, बहुत बढ़िया रहेगा। उसका थोड़ा लंबा ही क्लास चलेगा, बट मैंने बोला था कि आपका रेगुलर क्लास भी चलता रहेगा, कोई एक चैप्टर जिसको मैं आगे लेकर चलूंगा। तो वहां पे ये चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज से। मैंने आपसे पूछा था कौन से चैप्टर, बट ज्यादा रिजल्ट आए नहीं कुछ खास, तो ठीक है, मैं अपने ही तरफ से आपके लिए कुछ कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इसमें अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इसमें हम एक सीरीज के बारे में देखेंगे, एक ऐसी सीरीज जो अपने आप में थोड़ी सी यूनिक होगी। जैसे अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल, हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, 1 2 3 फोर फाइव डैश डैश डैश, या फिर रैंडमली ऐसे फालतू के नंबर ले लेते हैं, लाइक 1 5 4 3 9 11 300 4 4, मतलब कोई कोई सीरीज, मतलब कोई एक तरह का सिस्टम नहीं लग रहा है। याद रखो, जब भी कोई पर्टिकुलर सिस्टम या कुछ फंडा यूज हो रहा हो, तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ वो प्रोग्रेशन यानी एक सीरीज में है। अगर मैं इसे देखूं तो इसमें पर्टिकुलर कोई किसी टाइप का सर्टेन सीरीज नहीं शो हो रहा। कैसे भाई? देखो, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर और ज्यादा इंक्रीज हो गया। कोई मतलब पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ खत्म कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। बट अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पे प्रॉपर डिफरेंस देखने को मिल रहा, वन का ऐसे यहाँ पे, वन का ऐसे यहाँ पे, वन का ऐसे यहाँ पे, वन का। इसी तरीके से अगर मैं इवन नंबर ले लूं और उसकी सीरीज लूं, 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, तो उसमें भी हमें ये पता चलता है कि इनके बीच के टू बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है भाई, है कि नहीं? अगर मैं 5 के मल्टीपल्स ले लूं, लाइक 5 10 15 20 25, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो जब हमारे पास जो गिवन सीरीज है ना, गिवन प्रोग्रेशन है, अगर उसमें जो डिफरेंस है फर्स्ट नंबर और उसके बाद के सक्सेसिव नंबर, यानी 2 सक्सेसिव नंबर में एक सर्टेन डिफरेंस हो रहा हो, सर्टेन हर एक नंबर्स, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में, तो उस तरह के प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा है कि एक अगर सर्टेन डिफरेंस हमें मिल रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसे? उस तरह के प्रोग्रेशन को। जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है मुझे, वन। कॉमन डिफरेंस मीन्स क्योंकि वन वन सभी में कॉमन है, क्या डिफरेंस सभी में क्या है, कॉमन डिफरेंस। सो दैट इज वाई वी से इट व्हाट, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, स्मॉल डी से, याद रहेगा, वेरी गुड। आगे चले, ऐसे इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा, तो ये किसी तरह का कोई प्रोग्रेशन नहीं है। लाइक 2 2 2 का मिल रहा है, प्रोग्रेशन है। 5 5 5 का मिल रहा है, प्रोग्रेशन है। अब ये प्रोग्रेशन असेंडिंग ऑर्डर भी लेकर जा सकता है प्रोग्रेशन को, और डिसेंडिंग ऑर्डर भी प्रोग्रेशन को लेकर जा सकता है। तो चलो देखते हैं किस किस तरीके से लेकर जाया जा सकता है इसे। ओके, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं इस तरह के नंबर की, किस तरह के नंबर की भाई, मैंने लिया 15, फिर लिया मैंने 13, फिर लिया मैंने 11, फिर 9, ठीक है, फिर 7 डैश डैश डैश। अगर मैं इसकी बात करूं, तो इनमें 2 का डिफरेंस, वो भी नेगेटिव ऑर्डर में जा रहा है। ध्यान से देखिए, -2 -2 -2, है कि नहीं? बिल्कुल। अगर मैं बात करूं 3 3 3 3 इस टाइप के प्रोग्रेशन की, तो यहाँ पे 0 का डिफरेंस मिल रहा है। अब वो 0 आप सब्सट्रैक्ट कीजिए या फिर ऐड कीजिए, आंसर तो सेम आएगा। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0 का आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो इस तरह के सभी प्रोग्रेशंस को, सभी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे हमारा जो डिफरेंस होता है 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में, या फिर जो सीरीज के 2 लगातार वाले नंबर्स हैं उनमें जो डिफरेंस होता है, अगर वो कॉमन आ रहा है तो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात, कुछ टर्म्स की बात करेंगे। जैसे डी मैंने बता दिया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डिनोट किससे करेंगे, डिनोट करेंगे डी से। ओके, आगे हमारे पास याद रखो, क्योंकि सीरीज है, क्योंकि
क्योंकि सीरीज है तो इसमें फर्स्ट टर्म तो जरूर ही होगा, फर्स्ट टर्म जरूर होगा, क्लियर है? ओके, इस फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए से, ठीक है? ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, क्लियर है? ओके ओके। इसी तरीके से मान लो हमें मालूम नहीं कितने नंबर्स हैं, सर्टेन नंबर नहीं है, मैंने बोल लिया 10 नंबर है या एन नंबर्स हैं, तो लास्ट टर्म को हम लोग ए एन से डिनोट करते हैं। यहां पे सपोज दैट ये सीरीज है, मान लो 1 2 3 4 5, इस प्रोग्रेशन में कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स हैं, लास्ट वाला क्या है? 7। तो लास्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए, और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? एन। तो लास्ट टर्म को बोलते हैं एन, याद रखो लास्ट टर्म, जिसको और क्या लिखा हुआ है बुक में? एंथ टर्म। क्या लिखा हुआ है? एंथ टर्म, लास्ट टर्म बोलो या फिर एंथ टर्म बोलो, सर ये तो फिफ्थ है तो एन की जगह पे 5 लिख दो, फिफ्थ टर्म बन गया, क्लियर है? ओके वेरी गुड। अच्छा, बहुत सारी बुक में ए एन के प्लेस पर टी एन भी राइट करते हैं, ए एन के प्लेस पर क्या राइट करते हैं? टी एन, वो भी लिखा रहता है, टी एन मीन्स टर्म, एन मीन्स एंथ, ठीक है ना? बिल्कुल सिंपल सा पढ़ना है। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने आगे कॉन्सेप्ट में, ठीक है? याद रखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला फॉर्मूला आता है टू फाइंड आउट द एंथ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, है ना? क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता है कि लास्ट टर्म क्या है सीरीज का। हमें एक पर्टिकुलर कोई टाइप की सीरीज दे दी जाती है इस तरह से, जैसे 3 7 11, इसके बाद 15 डैश डैश। अभी ये तो मान लो एक नॉर्मल सी सीरीज है, बट मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे जो 117th टर्म है, 117th टर्म है, वो क्या होगा भाई? आप क्या करेंगे? 3 4 4 का डिफरेंस आ रहा तो बहुत ज्यादा, यानी 117th टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 4 को, आई मीन 4 4 इंक्रीज कितनी बार करेंगे? 117 टाइम्स तक इंक्रीज करेंगे, काफी लंबा प्रोसेस चला जाएगा। छोटे क्वेश्चन में काफी सिंपल है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 8, एंड यहाँ डेड डेड डेस, और आपसे कहता है चलिए बताइए फिफ्थ टर्म, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म? तो बहुत इजी हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, 3 इंक्रीज हुआ, ये थर्ड टर्म है, 3 इंक्रीज हुआ, फिर 11 आ जाएगा एंड फिर 14, आप तुरंत बता देंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी? यहाँ आएगी प्रॉब्लम, कहाँ आएगी? इस वाले क्वेश्चन में, जब आपसे 117th टर्म पूछेगा, 69th टर्म पूछेगा, 92th टर्म पूछेगा या nth टर्म पूछेगा, तब प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए क्या किया, क्या किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पे फॉर्मूले को डेरिवेट करते हैं, इसी तरीके से फॉर्मूले को डेरिवेट करते हैं जिससे हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है nth टर्म फाइंड आउट करना, क्लियर है? तो चलो देखते हैं nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। nth टर्म देखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, बहुत इजी, बस ध्यान से देखें। पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया? पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए हमारा जो भी स्टेटमेंट है, हमारा जो भी सीरीज है, उसमें जो डिफरेंस है वो एक कॉमन आना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। अगर कॉमन नहीं है तो वो क्या नहीं है? एपी नहीं है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? ऐसे एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए, सपोज दैट कि एक मतलब आपको अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो कहीं नहीं घूम रहे, सपोज दैट आपको जाना है यहां से वापी, ठीक है? यहां से वापी जाना है, यानी जहां पे अभी आप सावरवाड़ी में, गुजरात में, ठीक है? तो वापी आप दादरा नगर हवेली और क्या गुजरात का ही पड़ता है, तो वहां सावरवाड़ी से आपको जाना है कहाँ? वापी जाना है। अब आप क्या करेंगे? आप ऑटो, आपके पास अपना खुद का व्हीकल नहीं है, आपने ऑटो लिया। अब ऑटो वाला कहता है कि भाई हम क्या करेंगे कि फिक्स चार्ज एक रहेगा 10 रुपीज, आप कितने किलोमीटर जाइए वो सर्टेन 1 किलोमीटर का 10 रुपीज ले लिया, और उसके बाद कहता है कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे 5 5 रुपीज इंक्रीज होता जाएगा, है ना? यानी नेक्स्ट किलोमीटर का आपका 15 रुपीज लगेगा, फिर 20 रुपीज लगेगा, और फिर आपका कितना लगेगा? 30 रुपीज लगेगा, ऐसे ऐसे करके। ये पर किलोमीटर का है, ये फर्स्ट किलोमीटर में लगेगा, सेकंड किलोमीटर में 15 रुपीज हो जाएगा, फिर थर्ड किलोमीटर में 20 रुपीज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह के हम क्या, इस तरह के प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लियर है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसी टाइप के प्रोग्रेशन को बोलते हैं। ओके, तो अब बट अगर वो कहता है कि पहले किलोमीटर में 5 रुपीज,
फिर सेकेंड किलोमीटर में 8 रुपीज इंक्रीज होगा एंड थर्ड किलोमीटर में आपका 10 रुपीज इंक्रीज होगा, तो एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया, कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया। ओके चलो अब आगे चलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन याद रखना इस बात को, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ओके हाँ, तो मैंने बोला कि मेरा जो भी एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म अरे यार आवाज आ रही होगी यहाँ खतरनाक, चलो तो गाड़ी चली गई, अब हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म A1, A1 को हम किससे, फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। सर आपने तो A1 से किया है, या आई नो दैट A1 इज इक्वल टू A, यानी फर्स्ट टर्म A फर्स्ट इज इक्वल टू A, और A सेकंड यानी सेकंड टर्म व्हाट, मैंने A से ही रिप्रेजेंट करा है, और सेकंड टर्म क्या होगा सोचो। चलो नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसे समझिए कि अगर मान लो पहला टर्म मेरा 4 है और दूसरा टर्म 7 है, तीसरा टर्म 10 है, तो अब मुझे जरा बताइए कि फोर्थ टर्म क्या होगा, सोचो बता देंगे आप, मुझे लगता है आपने तुरंत दिमाग लगाया कि यहां पे 3 इंक्रीज हुआ, फिर 3 इंक्रीज हुआ, तो ये पक्का 13 होगा, है कि नहीं। तो आपने किया क्या, आपने इस कॉमन डिफरेंस को लगातार ऐड करना स्टार्ट किया, क्या किया, इस कॉमन डिफरेंस को लगातार ऐड करना स्टार्ट किया, यानी इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, 13 + 3 = 16, क्लियर हो रहे, यानी आप क्या ऐड कर रहे हैं, डी ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, डी ऐड कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो अब बताओ फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, ओके, थर्ड टर्म क्या होगा, एक बार डी और ऐड करेंगे, मतलब इसमें डी ऐड किया, फिर इसमें डी ऐड करेंगे हम, है कि नहीं। अब इसमें डी ऐड कीजिए, पहले मैं इसमें डी ऐड करता हूं, फिर ये जो मेरे को रिजल्ट मिला उसमें डी ऐड करो, तो डी प्लस डी कितना हो गया, ए प्लस, डायरेक्ट लिख दूं, ए प्लस 2D, है ना, ए प्लस 2D, क्योंकि डी प्लस डी 2D हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं A4 की बात करूं तो फिर से डी ऐड करोगे, किसमें, इसमें, भाई मैं यहां पे थोड़ी ना 3 ऐड करूंगा, मैं तो प्रेसीडिंग टर्म में ऐड करूंगा ना, सक्सेसिव बनाने के लिए प्रेसीडिंग में ऐड करूंगा, जैसे अगर मुझे 7 से ये वाला टर्म चाहिए तो मैं 7 में ऐड करूंगा कि 4 में ऐड करूंगा, 7 में, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही हम इसमें नहीं इसमें ऐड करेंगे, ओके ओके। तो फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म डी ऐड किया, थर्ड टर्म डी और ऐड किया, फोर्थ टर्म डी और ऐड करो, तो क्या हो गया, ए प्लस 3D, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस, अभी एक और डी ऐड करो, 4D, अच्छा सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस, अभी देखो 4 के बाद 5 हो गया ना, ओके, सेवन टर्म क्या हो जाएगा, 5 के बाद 6 हो जाएगा, ओके, डैश 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 डैश। ध्यान से जरा देखो, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, फर्स्ट टर्म से आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन सेकंड से क्लियर होने लगेगा, क्या कि यहां पे क्या है 2, लेकिन डी का कोएफिशिएंट क्या है 1, कॉमन क्या चल रहा है भाई, सर ए चल रहा है, सब में देखो ए कॉमन है, और चेंज क्या हो रहा है, डी बार बार, आई मीन डी तो सेम है बट डी का कोएफिशिएंट चेंज हो रहा, जैसे यहां क्या 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा रिलेशन बनाते हैं, तो मैंने सेकंड टर्म लिया तो डी का कोएफिशिएंट 1 है, मैंने थर्ड टर्म लिया डी का कोएफिशिएंट 2 है, एक कम, 4 लिया तो डी का कोएफिशिएंट 3 है, एक कम, 5 लिया तो डी का कोएफिशिएंट 4 है, एक कम, 6 लिया तो डी का कोएफिशिएंट 1 कम, 5, 7 का 1 कम, यानी 7 में 1 कम, है कि नहीं, 6 लिया तो 6 में 1 कम, यानी कि 5। इसी तरीके से अगर सपोज दैट मैं ए 100 लेता, सोचो तो 100 में 1 कम, यानी ए प्लस 99 डी, और अगर मैं ए एन लेता, लास्ट टर्म nth टर्म, अगर मैं ए एन की बात करता तो फॉर्मूला बन जाता n में 1 कम, यानी n माइनस 1 डी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। बात क्लियर हुआ, समझ में आई, पक्की बात, ठीक है, वेरी गुड, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो हमने क्या सीखा, हमने nth टर्म का फॉर्मूला बनाना सीखा, है ना। क्या होता है, होता है या तो आप उसको tn से रिप्रेजेंट कीजिए या फिर आप an से रिप्रेजेंट कीजिए, फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 t,
क्लियर है। ये हो गया आपका nth टर्म का फॉर्मूला। कंफ्यूज मत होना, an भी आप यूज कर सकते हैं और tn भी। ओके क्लियर है, वेरी गुड। ओके आगे चले, अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज के ही करेंगे, फिर बाकी तो हम हाई लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसे नोट कीजिए फटाफट। चलिए ध्यान से देखिए, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। ठीक है, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी, तो फर्स्ट टर्म ए विच इज इक्वल टू 10, सेकेंड टर्म ए प्लस डी। आप देखिए पीछे मैंने बताया था, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये नहीं समझ में आएगा, 10 प्लस 10 विच इज 20, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, 10 प्लस 10 2 इंटू 10, ओके ना, 2 इंटू 10 यानी 10 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 30, ओके। ए फोर, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d विच इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, दैट इज 10 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 40, ओके। सेकेंड यहां पे हम चेक करेंगे, फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू ए, दैट इज माइनस 2, सेकेंड ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी। अब आप थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी कराने वाला हूं और आपको समझ में आएगा, ये बहुत ज्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं है और जो मैं कर रहा हूं बहुत ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है, ओके ना। ओके, 2 इंटू 0 समथिंग इंटू 0 0 होता है, तो 0 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 2 ही होगा ना, मैंने क्या बोला, ये 0 हो गया, अब 0 ऐड कीजिए यार, कोई फर्क तो पैदा ही नहीं है। ए फोर ए प्लस 3d यानी माइनस 2 प्लस 3 इंटू 0, That is 0 minus 2, okay? Then, अभी हम यहाँ आएंगे, यहाँ सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए 4, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, दैट इज 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7, थर्ड ए 3 ए प्लस 2d, 4 प्लस 3 इंटू 2, आई मीन 2 इंटू 3 कर लें, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 दैट इज 10, ए 4 हो गया, ए प्लस 3d यानी कि 4 प्लस 3 इंटू 3 यानी 4 प्लस 9 दैट इज 30। अभी इधर चलेंगे, a1 इज इक्वल टू a दैट इज माइनस 1, a2 इज इक्वल टू a प्लस d एंड माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 से सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद a3 दैट इज a प्लस 2d माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 यानी माइनस 1 प्लस 2 से 2 कैंसल प्लस 1 दैट इज 0, a4 a प्लस 3d माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 बाई 2 दैट मीन्स 3 वन जा 3 बाई 2, 3 माइनस 1 प्लस 3 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2 पॉजिटिव है, क्लियर है। तो ये आपके 4 टर्म हो गए जो क्वेश्चन में कह रहा है, आगे चले। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया है, फर्स्ट वही है ठीक है, a1 is equal to a that is minus 1.25, a2 is equal to a plus d that is minus 1.25 plus 0 plus minus minus okay minus 0.25 इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, minus 1.25 plus minus 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 0.25 ऐड होगा और रिजल्ट आ जाएगा आपका a2 का, आगे बढ़ा देता हूं मैं यार, क्या फालतू नेक्स्ट लाइन करूं, क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन एडेड होते हैं, ठीक है, सेम साइन ऐड होते हैं ना। अब अगर आपको ऐड करना नहीं आता तो सबसे पहले ये जो नंबर्स उनको लिख लीजिए, 1, 2, 5 and 5, 2, ठीक है, पॉइंट यहाँ आएगा, पॉइंट दो डिजिट एंड 0, 5, 5, 10, 1, 5 हो गया एंड 1, 1.50, रिजल्ट आया 1.50 बट नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव। ओके, थर्ड टर्म a3 a प्लस 2d यानी माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25, 25 2 50 माइनस 1.25 माइनस प्लस माइनस 0.50, ठीक है, ऐड करेंगे 75 हो जाएगा माइनस 1.75, याद रखो 70, बहुत सारे बच्चे इसको बहुत गलत रीड करते हैं, डेसिमल के नंबर्स को हम ऐसे नहीं रीड करते, 50 75 85 120, ये तरीका ही नहीं होता, पॉइंट के बाद नंबर्स को रीड करने का, डिजिट्स रीड करने का तरीका होता है 0.75 ऐसे, ठीक है ना, 0.7543 ऐसा करके, ठीक है। ओके, फोर्थ टर्म a प्लस 3d माइनस 1.25 प्लस 3 इनटू माइनस 0.25 इज इक्वल टू माइनस 125, 25 3 75, 0.75 इसे आप ऐड करेंगे तो 75 ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा
माइनस टू पॉइंट, ऐड करना सिखाया आप देख लीजिएगा, टू आ जाएगा। ओके नो डाउन। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा भाई, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द सीडी, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म भाई ए इज इक्वल टू थ्री, हेलो है भाई, एंड डी कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ए टू माइनस ए वन। ओके इसके बारे में भी इसके बाद में बताऊंगा, ए टू माइनस ए वन। अब क्योंकि ए पी है तो हम सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स ले रहे हैं, ठीक है, ए टू में सेकेंड टर्म वन एंड फर्स्ट टर्म थ्री, ठीक है थ्री यानी माइनस टू। ओके ऐसे ये भी करेंगे, ए इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, दैट मीन्स ए टू माइनस वन माइनस एंड माइनस प्लस यानी फाइव हो जाएगा। क्या बोला मैंने, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अभी ये क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, रिजल्ट क्या आएगा, फोर। ओके अभी यहां आते हैं, ठीक है, ए वन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म वन बाई थ्री एंड डी ए टू माइनस ए वन, दैट मीन्स फाइव बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री विच इज इक्वल टू द फोर बाई थ्री। ठीक है आगे नेक्स्ट, ए वन फर्स्ट टर्म जीरो पॉइंट सिक्स एंड डी ए टू माइनस ए वन which is equal to the 1.7 minus 0.6 which is equal to the 1.1। okay so फटाफट नोट करें। चलिए अभी नेक्स्ट, हमने मैंने भी डिस्कस नहीं करा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला भी, और साथ में फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा बाद में बताना था, जिससे आप पहले क्वेश्चन हैबिचुअल हो जाए, थोड़ा आदत हो जाए, उसके बाद डिस्कस करें तो मजा आता है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस हमें मालूम है किससे डिनोट करते हैं भाई, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। ओके और फॉर्मूला होता है डी का ए टू माइनस ए वन, सिर्फ यही नहीं और भी होता है क्या, ए थ्री माइनस ए टू, ये सभी इक्वल होंगे। और ये चीज आप जानते हैं, जैसे यहां लिखा है थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन डैश डैश डैश, अब यहां क्या है, टू का डिफरेंस है ना, किसमें, फाइव और थ्री में डिफरेंस इन दोनों का होता है, पहले वाले का सेकंड वाले से, ऐसे ही सेकंड वाले का थर्ड वाले से। ठीक है तो मैंने ए थ्री माइनस ए टू किया, अब अगर नेक्स्ट और करना है तो मुझे ए फोर माइनस ए थ्री करना होगा, फाइव नहीं ए फोर माइनस ए थ्री, यानी पीछे वाले का आगे वाले से, क्लियर है। ओके अच्छा अगर मैं इसी फॉर्मूले को एक यूनिफाइड कर दूं, ऐसा मतलब कि सबके लिए यूज हो सके, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए एन लास्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे, लास्ट टर्म यहां पे कौन सा होगा, एंथ टर्म होगा, एंथ टर्म ये लास्ट टर्म होगा, एंथ टर्म को डिनोट किससे करते हैं, ए एन। अब जरा मुझे बताओ कि ए एन से पहले कौन सा टर्म होगा, ए एन से पहले ए एन माइनस वन, सिंपल, जैसे अगर ये फोर्थ टर्म है तो ये कौन सा है, थ्री एक कम, तो ए एन से पहले वाला ए एन माइनस वन, क्लियर है, सिंपल सा फंडा है, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, यहाँ पे ए एन किया, ए एन में माइनस करूंगा ए एन माइनस वन, यही तो करूंगा, बस यही आपका फॉर्मूला बन गया। इसको नोट कर लीजिएगा, क्या है डी का फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस ए एन माइनस ए एन माइनस वन। अब आप इसमें कुछ भी पुट करिए, जैसे अगर वन पुट करूंगा तो ये हो जाएगा ए वन और ये क्या हो जाएगा जीरो, यानी गायब, कोई टर्म ही नहीं, जीरो टर्म। बट अगर टू करूंगा एन के प्लेस पर टू, तो टू माइनस वन वन हो गया, ए वन बन गया। देखिए फटाफट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बचा हुआ था, डी मैंने बता दिया अच्छे से, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी इसके लिए मुझे थोड़ा आपकी हेल्प चाहिए होगी, ठीक है, सभी लोगों के पास एनसीईआरटी का बुक होगा ही, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड करता हूँ मैं, देखते हैं क्या कहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई, मतलब क्या कह रहा है कि ये जो हमें सिचुएशन यानी जो लैंग्वेज दी है, अगर आप बुक के साथ हैं तो आपको पता होगा नीचे टोटल फोर क्वेश्चंस गिवन है आपको लैंग्वेजिकल। अब ऐसे क्वेश्चंस अगर हैं तो क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शो कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक हिंट दी थी कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा हो, लगातार इंक्रीज हो रहा हो, और अगर ऐसा होता है तभी वो एपी होगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीस फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीस फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी ऐसा है जैसा कि मैंने बताया था कि 15 रुपीस तो पहला लग गया, ये पहले किलोमीटर का है,
फिर दूसरा किलोमीटर अब 15 रुपीज नहीं लगने वाला, अब आपको 8-8 रुपीज लगेगा, 8 रुपीज 8 रुपीज 8 रुपीज। तो चलो बताइए इनमें क्या डिफरेंस है, 7, बट इनमें दो जीरो का है, तो क्या ये एपी होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया ना? तो नो आएगा, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, बिकॉज भी वाई बोल रहा है ना, तो बोल देना कॉमन डिफरेंस नॉट सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। वो ठीक है, क्या कह रहा, कह रहा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो 1/4 को क्या कर रहा है, वो 1/4 को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, किसमें से, सिलेंडर से। अब उसमें वैक्यूम पंप जो है वो क्या करेगा, वो गैस को निकाल रहा है, किससे, सिलेंडर से। कितना, जितने भी सिलेंडर में गैस है उसका 1/4 पार्ट। क्या है 1/4 पार्ट? सपोज दैट कि इसमें 100 किलोग्राम गैस है, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, बट 100 किलोग्राम गैस है, तो ये 100 किलोग्राम का 1/4 कितना होगा? तो 1/4 चलो निकालते हैं, 25 100 किलोमीटर से निकाल दिया गया, किससे, वैक्यूम पंप के थ्रू। जैसे ही निकाला वैसे ही इसके पास कितना, अब कितना बचेगा सिलेंडर में, अब बच जाएगा 75 किलोग्राम। क्लियर है, 75 किलोग्राम, लेकिन फिर से उसने 1/4 कर दिया। जब फिर 1/4 करेगा तो अब देखते हैं कि कितना बचेगा, तो 75 × 1/4, क्या 4 से कैंसिल होगा? बिल्कुल नहीं, 4 से तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, फिर भी देख लेते हैं। 4 × 4 कितना बचा, 3 बचा, 4 × 8 = 32 कितना बचा, 3 बचा, 4 × 7 = 45 = 18.75। ये गैस अब निकली, पहले कितनी निकली 25, अब कितनी निकल रही 18.75, यही तो डिफरेंस आएगा ना, यही आपका कॉमन डिफरेंस है एक्चुअल में। अब बताइए कॉमन डिफरेंस सेम है, बिल्कुल नहीं, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, नो, क्योंकि साफ कह रहा था अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स द 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्लियर है, आगे चले, नेक्स्ट भी नो आएगा आपका। उसके बाद हम थर्ड रीड करेंगे। थर्ड में क्या कह रहा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, ओके, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस। बस इस पॉइंट को ऑलवेज नोट करिए, जब भी राइज या डेफिशिएट की बात करें, इंक्रीज और डिक्रीज की बात करें, तभी एपी होता है, ठीक है ना, ऐसे एपी नहीं होगा। अगर वो मल्टीप्लिकेशन, जैसे ये 1/4 कर रहा, यानी डिवाइड कर रहा, डिवाइड में नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि एपी में हम सब्सट्रैक्ट और ऐड करते हैं टर्म्स का, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करते, बट इधर देखो 1/4 मतलब डिवाइड की बात कर रहा, इसलिए गड़बड़ है कहानी। क्लियर है, ये बहुत, ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिए कि लैंग्वेज में आपको कहां ध्यान देना है कि क्या डिवाइड हो रहा, जैसे 1/4, 3 times, 4 times, 5th times, तब एपी नहीं होगा ना, टाइम्स के लिए, डिवाइड के लिए नहीं होगा। कब होगा, जब वो राइज, डिक्रीज, इंक्रीज, डेफिशिएट ऐसा कुछ बोले तब, ओके। सो क्या बोल रहा, कह रहा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ अ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस 50 रुपीज फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। ये आपका क्या है, एपी, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस गिवन है कितना, 50 रुपीज, यही तो राइज हो रहा, पहला 150, देन 50 कितना, फिर वो हो जाएगा 200, 250, 300, ऐसे करके। क्लियर है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और समझिए। अभी एक वर्ड आया फोर्थ में, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा कि इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कौन कौन सा, फर्स्ट होता है आपका SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, और सेकंड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मली अब बैंक यूज नहीं करती है, कंपाउंड इंटरेस्ट करती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, क्या, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, 8th आपने ठीक से नहीं पढ़ाई की है, पबजी में आपने वेस्ट करा हुआ है। तो जरा आप ध्यान से देखिए, सपोज दैट आप बैंक में 100 रुपीज जमा करके आते हैं, कितना 100 रुपीज। अब आपने 100 रुपीज जमा करके आए,
तो हुआ ये कि बैंक वाले ने कहा कि अगर आप मेरे बैंक में 100 रुपीज जमा करते हैं तो आपको हम 4% इंटरेस्ट देंगे। कितना? 4%। ओके, तो 4% इंक्रीज अगर हुआ तो नेक्स्ट ईयर आपका कितना हो जाएगा ये मनी? 104। कितना हो जाएगा? 4% इंटरेस्ट दिया, 104। 100 का तो 4% 4 ही होता है ना, ये भी नहीं मालूम होगा। चलो 4% निकालते हैं, 4% ऑफ 100 कितना आएगा? 4% हुआ 100 ऑफ 100, 100 से 100 कटा, कितना बचा? 4। तो 100 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 100 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 104। ठीक है, ये हुआ आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट। बट अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल वैल्यू और साथ ही साथ जो आपका लास्ट ईयर इंटरेस्ट मिला है उस पे, दोनों पे ही लगता है। क्लियर है? जैसे अब आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, नॉर्मल अगर सिंपल इंटरेस्ट होते तो हर बार किस पे लगता? 100 पे ही, यानी नेक्स्ट ईयर 4 रुपीज और इंक्रीज होता तो हो जाता 108। तो पहला था 100, फिर था 104, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। इसके बाद क्या हो जाता? 108, फिर 112, ऐसे ही ऐसे इंक्रीज करता। कब? सिंपल इंटरेस्ट पे। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही लगता है सिर्फ। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो यानी कि इसका तो 4% 4 लगेगा ही भाई, इसका तो 4 ही आएगा ना, बट इस पे भी लगेगा। यानी 4 का 4% कितना हुआ? यानी 4% ऑफ 4 हो गया 4/100 इंटू 4, 4 4 16, 16/100 दैट इज इक्वल टू 0.16। यानी इतना पैसा आपको एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी बैंक आपको ऐसे पैसे देती है। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा प्रॉफिट वाला वर्क होता है, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये कैसे हो जाएगा? अब आपका हो जाएगा 108.16। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पे देते तो इतना मिलता थर्ड थर्ड ईयर, और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहे हैं तो 108.16 मिलेगा। ठीक है, जो आप फॉर्मूला लगाते हैं ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में वन प्लस आर बाई 100 पावर n, बस आप रट्टा मार के क्वेश्चन लगा देते हैं, उसकी बेसिक चीज पे कभी जाते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर समझ लीजिए, आपको सिर्फ एपी से मतलब है अभी भी मार्क्स से, तो करना इतना है। आप इतना समझिए कि जब भी क्वेश्चन में एसआई की बात करें, किसकी? एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट की, तो एपी रिजल्ट आएगा। यस, एपी होगा, देख लीजिए 4 4 4। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है तो एपी नहीं होगा। क्लियर है? क्यों? बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कैसे? पहले कितना? 100, फिर कितना हुआ? 104, बट अब हो गया 108.16। ये देखिए डिफरेंस सेम नहीं है। क्लियर है? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में एपी नहीं होता, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज में होता है, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला। ओके, सो आज के लिए इतना ही रहेगा, हम नेक्स्ट क्लास में फिर से एपी को खत्म करेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट भी चलेंगे। तब तक आप इतना पढ़ लीजिएगा। ओके, बाय।